नमस्कार, आप सुन रहे हैं सेंट्रल न्यूज रेडियो। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। मुंबई में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया। रुपए में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से देश में वाहन ईंधन के दाम अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 5 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 82.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 74.02 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल पहली बार 90 रुपए लीटर के आंकड़े के पार गया है। शहर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 90.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंपों पर 90.17 रुपए लीटर और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर 90.14 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से यहां कीमतें प्रभावित हो रही हैं। आधे से अधिक देशों में ब्रेंट को तेल कीमतों का मानक माना जाता है। पिछले 5 सप्ताह में ब्रेंट के दाम $71 प्रति बैरल से $80 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। कोलकाता में पेट्रोल 84.63 रुपए प्रति लीटर और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 86.08 रुपए लीटर और डीजल 78.35 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगदार क्षेत्र में सीमा रेखा के निकट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर से मुस्तैद सुरक्षा बलों ने घुसपैठ का बड़ा प्रयास विफल कर दिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादी ढेर हो गए और सेना का जवान भी शहीद हुआ है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि मुस्तैद सैनिकों को इस बात का आभास हुआ कि रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ से आतंकवादियों का एक गुट भारतीय सीमा में प्रवेश करने की फिराक में है। सैनिकों ने जब आतंकवादियों को चुनौती दी और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने स्वचालित हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद सोमवार को आतंकवादियों के बारे में फिर पता चला और फायरिंग में 3 और घुसपैठियों को जवानों ने मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। गोवा की मनोहर पर्रिकर सरकार में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया, जबकि 2 मंत्रियों को खराब स्वास्थ्य के कारण हटाया गया है। विधायक मिलिंद नाइक और नीलेश कवराल को राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के उपचार करा रहे मुख्यमंत्री पर्रिकर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं थे। नाइक और कवराल भाजपा के विधायक हैं। नाइक मोर मुगाव और कवराल चर्च और एम्स सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। बीमार होने की वजह से शहरी विकास मंत्री फ्रांसिस डिसूजा और ऊर्जा मंत्री पांडुरंग मडकायकर को मंत्रिमंडल से हटाया गया है। मडकायकर मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि डिसूजा अमेरिका में अपना उपचार करा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को घोषणा की थी कि पर्रिकर राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक योंग में बने सिक्किम के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को देश को समर्पित करते हुए कहा कि पहाड़ी राज्य और देश के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। मोदी ने कहा कि इस हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ ही देश में 100 हवाई अड्डे हो गए हैं। साल 2009 में इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखे जाने के करीब 9 साल बाद सिक्किम का यह सपना पूरा हुआ। यह हवाई अड्डा गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर दूर है। पाकयोंग से पहली व्यावसायिक उड़ान 4 अक्टूबर को रवाना होगी। देश के 100वें और सिक्किम के पहले हवाई अड्डे से परिचालन शुरू होने के साथ ही पूर्वोत्तर का ये राज्य पूरे देश से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। भारत चीन सीमा से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकयोंग हवाई अड्डा करीब 200 एकड़ जमीन पर बना है। यह समुद्र तल से 4,500 फुट की ऊंचाई पर पाकयोंग गांव से करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर बना है।
इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए सेंट्रल न्यूज रेडियो के साथ। धन्यवाद।